चौंक गए ना वीडियो का थंबनेल देखकर। जी हाँ दोस्तों, मैं भी कुछ दिनों पहले ये तस्वीर देखकर चौंक गया था। एंड जी हाँ, शेवरोलेट के ट्रक्स आते हैं। अब ये मत कहना कि अजिंक्य भाई ने भांग का कर ये थंबनेल बनाया, ऐसा नहीं है भाई लोग, ना ये एडिटिंग है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अजिंक्य, आप देख रहे हैं ट्रक टॉक्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हुआ यूं, कुछ दिनों पहले आपको तो पता ही है कि कमर्शियल व्हीकल्स पर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो करता रहता हूँ। तो कुछ दिनों पहले मुझे एक कहीं पर एक ऑनलाइन लेक्चर देना था ऑन इंटरनेशनल ट्रक्स, तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च और पढ़ाई कर रहा था। एंड आई केम अक्रॉस शेवरोलेट इजिप्ट। तो शेवरोलेट इजिप्ट की वेबसाइट मैंने खोली एंड वहाँ पर मैं खोलता हूँ तो देखता क्या हूँ, सबसे पहले मुझे दिखती है MG हेक्टर, जिसके ऊपर लगा है शेवरोलेट का लोगो और जिसे शेवरोलेट कैप्टिवा के नाम से इजिप्ट में बेच रही है। फिर मैं जाता हूँ कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में, वहाँ पर मुझे क्या दिखता है, वहाँ पर मुझे दिखती है आइसुजू की ट्रक जिसके ऊपर लगा है शेवरोलेट का लोगो एंड उसे NPR और QMR के नामों से इजिप्ट में बेचा जा रहा है। तो ये झोल क्या है भाई, ये क्या झोल है शेवरोलेट ने किया है, क्या ये झोल आइसुजू ने किया है, और MG हेक्टर आखिर शेवरोलेट के कपड़े पहनकर कैप्टिवा के नाम से इजिप्ट में क्यों बिक रही है, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है ना दोस्तों, तो आइसुजू जो एक जैपनीज कंपनी है और शेवरोलेट यानी कि जनरल मोटर्स जो एक USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, इनका नाता नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। अरसों पहले 1920s की बात करें तो तब से आइसुजू और जनरल मोटर्स इकट्ठे मिलकर जो है गाड़ियाँ बना रही है और लोगों को, खैर जाने दीजिए। तो ऑल इन ऑल काफ़ी पुराना नाता जो है ये है दोस्तों। एंड इस नाते के बारे में, नाते को छोड़ दीजिए, बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो ये जो ट्रक्स है ना, आइसुजू की ट्रक्स है, तो हम भूतकाल में चलते हैं, पास्ट में जो है काफ़ी पहले आइसुजू और जनरल मोटर्स का जो है वो टाइप हुआ था, यानी कि गठबंधन, यानी कि जिस गठबंधनों से हमारे यहाँ पे सरकारें बनती है वैसे ही गठबंधनों से ये कंपनियाँ एक साथ आई थी। आप समझ जाइए यार, आप मेरे से भी ज़्यादा होशियार हो। तो कमिंग ऑन आवर वीडियो, तो ये जो ट्रक्स है या आइसुजू की ट्रक्स है जिन्हें रिबैच कर शेवरोलेट जो है इजिप्ट में और सऊदी में जो है वो बेचता है, इनके बारे में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर आपको जानने हो तो आगे जाइए, मैंने सबके बारे में बोला है। पहले ये झोल गए, झोल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि शेवरोलेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बेचा करती थी एंड कुछ समय पहले वो इंडिया से रफू चक्कर गायब हो गई। लाखों लोगों के दिल टूटे, मेरा भी टूटा, क्योंकि बहुत सारी उनकी गाड़ियाँ मेरी फेवरेट थी। तो इंडिया में काफ़ी सारे लेजेंडरी प्रोडक्ट जैसे कि ऑप्ट्रा, सेल UVA, UVA, एवियो, उसके बाद में टवेरा जो हमारे लाखों लोगों की पहली पसंद है, टवेरा, कैप्टिवा, ट्रेल ब्लाजर, ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ जो उन्होंने लॉन्च की। और ये जो टवेरा है ना, ये भी शेवरोलेट की खुद की गाड़ी नहीं है दोस्तों, चौंक गए ना सुन के। जी हाँ दोस्तों, ये शेवरोलेट की खुद की गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी साउथ एशियन कंट्रीज़ में आइसुजू पैंथर के नाम से बेची जाती है। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, आइसुजू पैंथर के नाम से जो ये गाड़ी वहाँ पर बेची जाती है, जो इंडिया में जो है शेवरोलेट जो है टवेरा के नाम से जो है सेल करती थी। एंड इंडिया में काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने क्वालिस को, इनोवा को, जो है सुमो को खासकर टक्कर दी थी पैसेंजर सेगमेंट, टैक्सी सेगमेंट, कैब सेगमेंट के सेगमेंट में दोस्तों। तो ये बात करते हैं, वो तो हो गया आइसुजू और टवेरा का। अब आप बोलेंगे कि शेवरोलेट और MG का क्या रिलेशन है। तो MG जो एक कंपनी इंडिया में मॉरिस गैरेजेस, ये एक यूरोपियन कंपनी है एंड ये जो कंपनी है वुलिंग मोटर्स ओन करती है चाइना की। जो वुलिंग मोटर्स आपको तो पता है चाइना की कंपनी है एंड वुलिंग मोटर्स और जनरल मोटर्स का भी गठबंधन है, ये एक बरमूडा ट्रायंगल है दोस्तों, तो समझ जाइए। तो उस गाड़ी को भी जो है सऊदी अरेबिया में और दुबई में जो है ये लोग कैप्टिवा के नाम से बेचते हैं MG हेक्टर को, रियली ब्रो। एंड कैप्टिवा एक कैसा प्रोडक्ट था आप तो जानते ही हैं इंडिया में। खैर आ जाते हैं ट्रकों पर। तो ऐसा क्यों होता है, अक्सर गठबंधन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसलिए होते हैं क्योंकि किसी कंपनी को किसी देश में जाकर अगर ऑपरेट करना हो तो वहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पर उनको प्लांट सेटअप करना पड़ता है एंड वहीं पर उनको जो है बहुत सारे लोकल लोगों से टाइप्स करना पड़ता है, डीलरशिप फलाना ढिमकाना चीज़ों के लिए। इसीलिए वो क्या करती है, उस कंट्री में मौजूद एक बड़ी कंपनी के साथ टाइप कर लेती है और उनके प्रोडक्ट्स को उन कंपनी के साथ रिबैच करके वहाँ पर बेचती है दोस्तों। कुछ सालों पहले इंडिया में भी आपने देखा होगा कि महिंद्रा ने रेनॉल्ट के साथ टाइप करके लोगों को इंडिया में लाया था, बाद में सैंगयोंग को लाया था, वैसे ही ये होता है दोस्तों। खैर इन गाड़ियों के बारे में बात करें तो इनका नाम दोस्तों कुछ इस प्रकार है, शेवरोलेट जंबो NPR 7000, NQR 8000 और QMR
5200। इन तीनों ही गाड़ियों को पावर करता है आइसुजु का 4HG1 फोर सिलेंडर्स इनलाइन SOHC यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन 4.6 लीटर का डीजल इंजन जो इसे 121 HP की पावर और 304 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो प्रदान करता है। इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है दोस्तों NPR 7000 मॉडल का 60 टन है, NPR 8000 मॉडल का 8 टन है और QMR 5200 मॉडल का 5.2 टन इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है दोस्तों। वहीं पर पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 5 से 6 टन का पेलोड कैपेसिटी इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। साथ ही में इनमें मैनुअल ट्रांसमिशन है और सबसे महत्वपूर्ण खूबी मुझे ये लगी कि इन गाड़ियों को आप रेड, ग्रीन और व्हाइट ऐसे तीन आकर्षक कलर्स में जो है खरीद सकते हैं और इन ट्रक्स को उस कंट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे कि पावर टेलगेट, व्हीकल ट्रांसपोर्टर, डंप ट्रक, अर्थ ऑगर, गटर साफ करने वाली मशीन, रोड स्वीपर, रेफ्रिजरेटेड वैन, क्रेन, कार्गो मूवमेंट, रिफ्यूज ट्रक, टैंकर, रेकर, टो व्हीकल और एरियल प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे एप्लीकेशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन गाड़ियों का इंटीरियर आप देख सकते हैं। अब वो कंट्रीज जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्रीज है तो ये गाड़ियां भी जो है आप लेफ्ट हैंड ड्राइव फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं आप तस्वीरों में आपने देखी होंगी कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में। अगर हम इन्हें हमें इंडियन व्हीकल्स से कंपेयर करें तो इंडिया की जो आयशर की जो LCV सीरीज है, टाटा की लाइट ट्रक्स है, अशोक लेलैंड की लाइट ट्रक्स है, महिंद्रा की लाइट ट्रक्स है, उसी सेगमेंट की जो ये गाड़ियां हैं एंड उनके कंपैरिजन में अब देखो लुक्स आर सब्जेक्टिव बट सच में मुझे तो ये गाड़ियां दिखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आपको क्या लगा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मान लो आइसुजु तो इंडिया में है ही SML यानी कि स्वराज मज़दा लिमिटेड के साथ, तो दोस्तों अगर मान लो ये ट्रक्स कल इंडिया में आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा ज़रूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या ये हमारे इंडियन ट्रक्स को कॉम्पीट कर पाएंगी एंड क्या अगर ये आ गई तो इंडिया में कैसा भोकाल मचेगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। तो ये थी शेवरोलेट की ट्रक्स जिन्हें देखकर मैं भी चौंक गया था, आप भी चौंक गए थे और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि ये आइसुजु की ट्रक्स है, अगर आप आइसुजु की भी वेबसाइट खोल के देखेंगे इंटरनेशनल वाली, US वाली या फिर एशिया वाली, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये जो ट्रक्स है ये आइसुजु NPR NQR के नाम से जो है बेचती है एंड आइसुजु के पास इन ट्रकों में डीजल के साथ साथ CNG LNG उसी के साथ साथ नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक वेरियंट भी हाल ही में जो है कंपनी की ओर से लॉन्च किया गया है जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि आइसुजु ने ये ट्रक जो इंडिया में भी लॉन्च करनी चाहिए, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी इसके ऊपर क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ अगली। और जी हाँ दोस्तों, ऐसी यूनिक इंटरनेशनल ट्रकों की वीडियो अगर आपको दिखनी है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम ऐसा वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रक टॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।